हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हम बिगॉस के BG D15i इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात करेंगे। तो इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो 99,999 रुपीज़ है, 1 लाख के करीब इसका एक शोरूम प्राइस है। और इसमें आपको फेम टू सब्सिडी, स्टेट सब्सिडी मिल जाती है। तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस पुणे में पड़ती है ये 1,01,000 रुपये ऑन रोड पुणे पड़ जाती है। डिज़ाइन की यहाँ पे बात करें तो इसमें आपको फुल मेटल बॉडी मिलती है, इसमें आपको 16 इंच के व्हील मिलते हैं आगे और पीछे की तरफ, और जो टायर्स हैं इसमें ट्यूबलेस मिलते हैं। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, पीछे स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन मिलता है। इसमें जो लाइट्स है फुल LED का सेटअप यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। और ब्रेक्स की यहाँ पे बात करें तो इसमें आपको आगे और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स ही देखने के लिए मिलते हैं, इसमें डिस्क ब्रेक का कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसमें आपको 3.1 किलोवाट की BLDC मोटर मिल जाती है, इसका जो पीक टॉर्क है 110 Nm का है। इसमें आपको 2 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, इको और स्पोर्ट्स, साथ ही साथ इसमें आपको रिवर्स मोड भी देखने के लिए मिलता है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 70 किलोमीटर/आवर की, और रेंज इसमें 115 किलोमीटर की मिलती है। इसकी जो मोटर और बैटरी है वो IP67 रेटेड है। इसमें 3.2 किलोवाट आवर की लिथियम आयन की बैटरी मिलती है। इसका जो चार्जिंग टाइम है वो 5.5 घंटे 5 आवर्स 30 मिनट्स का है। इस स्कूटर का जो वेट है वो 107 kgs का है। इसकी जो सीट हाइट है वो 770 mm की है। 5152 जिनकी हाइट है वो भी आराम से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चला सकते हैं। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है, 175 mm का है, तो इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में इंटरेस्टेड है तो आप नियरेस्ट बिगॉस के डीलरशिप में जाके इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो बुकिंग अमाउंट है वो 499 रुपीज़ है। चलिए इसको चला के चेक करते हैं कि कैसा इसका परफॉर्मेंस है। गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो तो ठीक है, फुल मेटल बॉडी मिलता है इसमें, और जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर/आवर की है। तो अभी हम जो है इकोनॉमी मोड में है, और इसका स्पोर्ट्स मोड में आप देखेंगे तो गाड़ी भागती अच्छा खासा है। और ब्रेकिंग भी बात करें तो ब्रेकिंग अच्छी है इस बाइक की। हैंडलिंग की बात करें तो हैंडलिंग अच्छी है। बाकी जैसे आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाए होंगे जिसमें आपको थोड़ा सा अनस्टेबल लगता है हैंडल, वैसा नहीं है इसमें। और रेंज आपको 115 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है। प्राइस इसकी 1,01,000 रुपीज़ ऑन रोड पुणे है। सब्सिडी मिलती है इसमें 48,000 की फेम टू मिलती है, और स्टेट सब्सिडी 10,000 रुपये की मिलती है। तो उसके बाद ये 1,01,000 ऑन रोड पुणे पड़ जाता है। तो गाड़ी चलने में अच्छी है, और फुल LED का सेटअप है। और यहाँ पे जो आपको डिस्टेंस टू MT जो रेंज है वो दिखा दे रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स मोड में ये 45 किलोमीटर की रेंज है, ठीक है। तो गाड़ी में काफ़ी अच्छे फीचर्स भी मिलते हैं, और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी काफ़ी अच्छा है। सेटिंग कंफर्ट की बात करें तो सेटिंग कंफर्ट अच्छा है, लंबी राइड पे भी आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और जो है ब्रेकिंग की यहाँ पे बात करें तो ब्रेकिंग इसमें आपको ड्रम ब्रेक ही मिलते हैं, बट स्पीड के हिसाब से, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर/आवर की है, तो उसके हिसाब से ब्रेकिंग ठीक है। और फुटबोर्ड स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिलता है, टांग आप आराम से फैला के बैठ सकते हैं। और 3.1 किलोवाट की पीक पावर आउटपुट वाली मोटर मिलती है, और 3.2 किलोवाट आवर की लिथियम आयन की बैटरी मिलती है, जिसका जो वारंटी है 3 ईयर्स का है। हैंडलिंग अच्छी है, राइड कंफर्ट भी सही है, और गाड़ी स्टेबल है। तो मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही, थैंक यू।